न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं, चेंजेस फॉर टीचर्स क्या हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाओगे। लेट अस स्टार्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 1968 के बाद एक मेजर पॉलिसी जो है एजुकेशन सिस्टम में आ रही है। इससे पहले भारत सरकार ने 1968 में एजुकेशन पॉलिसी जो है लॉन्च की थी। अगरचे देखा जाए तो 1986 में भी इस पे रिव्यू किया गया था, लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, बल्कि इसी पे रिव्यू करके कुछ अपडेट किया गया था। इस तरह 1992 में भी इस पे रिव्यू या अपडेट किया गया था। तो पूरी तरह से जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 के बाद 2020 में आने जा रही है। इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं, किस तरह से हमारे स्कूल का सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, किस तरह से मेजर चेंजेस जो देखने को मिलेंगी, उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इसको बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हम एक नई चीज़ सुनने को हमें मिल रही है, वो है 5+3+4। ये नया सिस्टम जो है लॉन्च हो चुका है, होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इससे पहले 10+2 था। 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या था, 10+2 सिस्टम। 10+2 सिस्टम क्या था कि 10 क्लास हम स्कूल में पढ़ते थे, फिर 2 क्लास और हम स्कूल में जाते थे, उसके बाद हमें कॉलेज की एजुकेशन मिलती थी। इसी तरह जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 5+3+3+4, ये जो है 5 साल पहले हमने पढ़ने हैं स्कूल में, फिर 3 साल और पढ़ने, फिर 3 साल और, फिर 4 साल और। ये किस तरह से पढ़ने हैं, ये क्या है 5+3+3+4, ये मेजर चेंज होने जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अंडर। तो ये क्या है, हम इसके बारे में बिल्कुल आसानी से, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 में, उसमें भारत सरकार का MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम ही चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। उसके बाद 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें स्ट्रीम सिस्टम होता था, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्ट्रीम सिस्टम को टोटली जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब उससे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता था, अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम जो है स्टार्ट हो चुका है। जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें बच्चों की एजुकेशन जो है वो उनकी एज जो है 6 ईयर से शुरू होता था, लेकिन अब जो है बच्चों की जो एज 3 ईयर्स से ही स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट हैं। इसके अलावा और भी मेजर चेंजेस जो हैं एजुकेशन सिस्टम में आने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरी तरह से मेरे साथ रहोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक मेजर चेंज जो आई है वो है 5+3+3+4। 5 क्या है, फाउंडेशन स्टेज, 5 साल की शुरू में जो एजुकेशन होगी उसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। ये फाउंडेशन स्टेज क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रीपरेटरी स्टेज जो है 3 ईयर्स का एक एजुकेशन सिस्टम है, ये भी स्कूल एजुकेशन में आती है। ये जो 5+3+3+4 पूरी जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आती है, ये 3 ईयर का फिर प्रिपरेटरी स्टेज आएगा। उसके बाद मिडिल स्टेज जो है 3 साल का आएगा। उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 ईयर्स का आएगा। ये सेकेंडरी स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज क्या है, इसमें किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो ये सब हम हर एक स्टेज को अब एक बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 5 ईयर्स का पैकेज है, शुरू में जो बच्चों की एजुकेशन है इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले में प्ले,
तो बच्चों को सिर्फ शुरू के 3 साल जो हैं सिर्फ खेल कूद में ही स्कूल में रखना होगा। उनको कोई चीज़ बुक्स वगैरह नहीं दिखाई जाएंगी, सिर्फ बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल जाने से डरते थे, ड्रॉप आउट रेट हाई था, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल्स छोड़ जाते थे। क्यों छोड़ते थे? उसका एक कारण ये भी था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, बच्चों को स्कूल जाने से बहुत ही डर लगता था। तो एक बच्चों की जो उम्र होती है 3 साल से लेके 3 साल से आगे की, तो बच्चे हमेशा इस उम्र में क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो उस चीज़ को व्यू में रखते हुए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है बच्चों को खेलने के स्कूल में ही खेलने का सिस्टम जो है बनाया गया है। अब बच्चे जो हैं बड़ी खुशी से दौड़ के स्कूल जाएंगे ताकि वो सोचेंगे कि हमें खेलने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो हैं खेल कूद की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इंजॉय लर्निंग विद इंजॉय इंटरटेनमेंट और प्ले गेम्स खिलाई जाएंगी, है ना, उसमें जो है। उसके बाद 2 साल का है नया सिस्टम, इसमें आएगा जो 5 ईयर्स का पैकेज है, 3 साल प्ले और 2 साल में उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है पढ़ाई जाएगी। इसमें नो एग्जाम, एग्जाम कोई नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगी, स्टार्ट एट द 3 ईयर्स ऑफ एज। तो बच्चों की जो उम्र जो है 3 साल की होगी उसी से ये सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल में गेम्स खिलाई जाएंगी और उनको एग्जाम भी नहीं लिया लिया जाएगा उनका, तो बड़े फ्री और खुशी से बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे। अब दूसरी स्टेज आती है प्री प्रेटरी स्टेज, 3 साल का ये भी कोर्स है। ये क्लास 3rd से शुरू होगा और क्लास 5th तक जाएगा, 3री से 5वीं तक बच्चे प्री प्रेटरी स्टेज में पढ़ेंगे। ये जो स्टेज होगी इसमें एक्टिविटी प्लस प्ले, बच्चों को एक्टिविटी से पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा एक कोई एक्टिविटी करवाई जाएगी और प्ले गेम्स खिलाई। लैंग्वेज जो है रीजनल, रीजनल लैंग्वेज रखी गई है, जैसे मदर टांग हो गई है ना, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बहुत से लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इतराज़ कर रहे हैं कि हमारे पे जो कुछ लोग जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो मदर टांग है हमें ये मतलब ज़बरदस्ती हम पे थोपी जा रही है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आप कोई भी लैंग्वेज में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये जो है लैंग्वेज जो है ऑप्शनल है, ऑप्शनल मदर टांग रखी गई है। तीसरी स्टेज मिडल स्टेज, ये भी 3 साल की है, इंडियन लैंग्वेज। इसमें बच्चे को भारत की कोई भी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, कुछ कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो सीखनी होगी। ये क्लास 6 से क्लास 8 तक होगी। इसमें एक चीज नई जो डाली है, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग जो है वो सिखाई जाएगी कंपलसरी कंप्यूटर, क्योंकि देखा गया है कि कंप्यूटर का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है और माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही बहुत से बच्चों के लिए प्रोग्राम जो है कोडिंग के प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किए गए हैं। तो वो अब बच्चों को स्कूल में 6 से ही पढ़ाना कंपलसरी कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैथ्स भी शुरू हो जाएगा, साइंस और आर्ट्स ये भी 6th और 8th से शुरू होंगे। इसके अलावा वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन 6 से ही शुरू हो जाएगी, ये भी मेजर चेंज है यहाँ पे। जैसे किसी बच्चे को टेलरिंग का शौक है, गार्डनिंग का है, कुकिंग का है, तो वो स्कूल में 6 से सीखना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चा जो है पढ़ के स्कूल में एक ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा जिससे वो आगे जाके, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बढ़ जाएंगी। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। ये 3rd स्टेज जो है मिडिल स्टेज से ही वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। जर्मनी हो गया, फ्रेंच हो गया,
इस तरह की कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो है आप सीख सकते हो, इससे भी हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा, विदेश में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सॉरी, 9th से 12th तक, ये स्टेज 9th से 12th तक होगी, नो स्ट्रीम। जैसा कि पहले 11th और 12th में स्ट्रीम सिस्टम होता था, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, वो सिस्टम जो है यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट, अगर आपको शौक है बॉटनी पढ़ने का तो आप बॉटनी पढ़ सकते हो, आपको शौक है हिस्ट्री पढ़ने का आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो स्ट्रीम सिस्टम जो है टोटली खत्म कर दिया गया है। कॉलेज लेवल पे भी स्ट्रीम सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरह से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया गया है, वो फिर हम आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जैसे हम शुरू में पढ़ते थे, भारत कब आजाद हुआ, 1947 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब शुरू किया, तो अब इस तरह से क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है क्यों शुरू किया। अगर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है शुरू नहीं किया होता तो क्या होता, इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो है सिलेबस में डिजाइन किया गया है सेमिस्टर वाइज। हाँ, एक और इसमें चेंजिंग जो है सेमिस्टर वाइज, हाफ ईयरली, पहले जो था वो साल के बाद एग्जाम होते थे, अब क्या है हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, सेमिस्टर वाइज कर दिया गया है। ये भी एक मेजर चेंज है। इस तरह से हमारे ये जो स्टेजेस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। पहली स्टेज थी फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, दूसरी स्टेज थी प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल की, तीसरी स्टेज थी मिडल स्टेज 3 साल की, और फिर थी सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स की। ये हम पढ़ चुके हैं। जो फाउंडेशन स्टेज थी इसमें बच्चा जो है इंटर से 12 साल का बच्चा जो है प्रीपरेटरी स्टेज में रहेगा, फिर 10 से 13 साल का बच्चा जो है मिडिल स्टेज में रहेगा, फिर 14 से 17 साल का बच्चा जो है सेकेंडरी स्टेज में रहेगा। फाउंडेशन स्टेज में जो है बच्चा नर्सरी से सेकंड क्लास तक पढ़ेगा, इसी तरह प्रीपरेटरी स्टेज में 3rd से 5th तक पढ़ेगा, मिडिल स्टेज में बच्चा जो है वो 6th से 8th तक पढ़ेगा, और सेकेंडरी स्टेज में बच्चा जो है 9th से 12th तक पढ़ेगा। फाउंडेशन स्टेज में नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज जो है उसमें रीजनल लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, रीजनल लैंग्वेज मींस मदर टंग, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, गुजराती, राजस्थानी, इस तरह से जो है अपनी मदर टंग जो है पढ़ने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद जो मिडल स्टेज है उसमें इंडियन लैंग्वेज जैसे उर्दू, संस्कृत, ये इंडियन लैंग्वेज है, इनमें से कोई लैंग्वेज जो है पढ़नी होगी मिडल स्टेज में। इसी तरह जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी जुबान जो है कोई ना किसी मुल्क की कोई जुबान जो है पढ़नी होगी। तो ये कंपेरिजन है 5+3+3+4, ये 15 साल का एजुकेशन पैकेज है। होप कि आप इसको समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन जो है अब 4 इयर्स की कर दी गई है। ग्रेजुएशन जैसे कि पहले BA, BSc, BCom होता था, अब ये सिस्टम जो है टोटली खत्म कर दिया गया है। BA, BSc, BCom नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ग्रेजुएशन को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर कोई बच्चा 1 साल ग्रेजुएशन में लगाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, 2 साल कॉलेज में लगाएगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल लगाएगा तो डिग्री मिल जाएगी, जैसे पहले भी 3 साल की डिग्री मिलती थी अब भी मिल जाएगी, और उसके बाद 4 साल लगाएगा तो रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। तो इनका नाम इस तरह से होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 1 साल, ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 ईयर्स, ग्रेजुएशन डिग्री 3 ईयर्स की होगी, ग्रेजुएशन रिसर्च 4 साल की होगी। तो जैसे पहले जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो डिग्री पे होते थे, 3 साल की डिग्री होती थी, वही जॉब जो है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते थे वो 3 साल की डिग्री पे होते हैं, अब भी वो 3 साल की ही
डिग्री पे होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम में चेंज है। पहले बीए बीएससी होती थी, अब ग्रेजुएशन डिग्री बोला जाएगा, और जो 4 साल लगा लेगा उसके लिए ग्रेजुएशन रिसर्च नाम की एक मिल जाएगी उसको सर्टिफिकेट, तो रिसर्च ग्रेजुएशन रिसर्च नाम की मिल जाएगी। इसमें री इंट्री का भी स्कोप रखा गया है। री इंट्री क्या है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 साल स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है तो उसको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाती है, किसी वजह से वो अगर बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है कहीं चला जाता है तो 10 साल के बाद 5 साल के बाद आता है तो उसने दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेनी है, बल्कि उसका फर्स्ट ईयर पहले से ही कंप्लीट है, उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है। इसी तरह अगर कोई सेकंड ईयर से ड्रॉप करके 4 साल के बाद आता है तो उसको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। री इंट्री का सिस्टम रखा गया था, पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चेंजेस आई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 2 साल या 1 साल की होगी पोस्ट ग्रेजुएशन। वो कैसे, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है 3 साल की, ग्रेजुएशन डिग्री की है तो उसके लिए पीजी जो है 2 साल की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 2 साल की होगी। अगर किसी ने ग्रेजुएशन रिसर्च किया हुआ है तो उसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल की होगी। अभी भी जैसे पहले था, ग्रेजुएशन एमएससी और ग्रेजुएशन और पीजी करने में 5 साल लगते थे, अभी भी 5 साल लगेंगे। जो ग्रेजुएशन 4 साल की करेगा उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ही साल लगाना पड़ेगा, और जो ग्रेजुएशन 4 साल की करेगा उसको 1 ही साल लगाने पड़ेगा, और जो ग्रेजुएशन 3 साल की करेगा उसको पीजी में 2 साल लगाने पड़ेंगे। एमए एमएससी एमकॉम ये सब जो है खत्म हो चुका है, इसमें अब सिर्फ क्या होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। एमए एमएससी एमकॉम जो है अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि स्ट्रीम सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है। न्यू एजुकेशन में सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव पॉइंट जो है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, जीडीपी जो है 3% जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो बजट बनता था उसमें यूज होती थी, अब इसको बढ़ा के 6% करने का प्रोविजन रखा गया है। स्कूल फी जो है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी मर्जी से स्कूल फी जो है लेते थे, लेकिन अब वो जो है एक सिस्टम बनाया जाएगा जो स्कूल फी जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही स्कूल पे लागू होगी। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6 से ही स्टार्ट कर दी गई है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो भारत की इकॉनमी और भारत के पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। अब हमारे पास ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पैदा होंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी डिमांड जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड होंगे। उसके बाद रिजल्ट, जो एग्जाम होंगे उसमें जो है मार्क्स एग्जाम के भी होंगे, जैसे रिटन एग्जाम होता है, फिर बच्चे को सेल्फ असेसमेंट भी करनी होगी। जैसे पहले बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में जाते थे, डिग्री ले लेते थे और बच्चे बोलते थे कि हम सेटिस्फाई नहीं है, तो अब बच्चों को एग्जाम जब होंगे तो उसको अपने आप को भी नंबर देने पड़ेंगे। फिर जो फ्रेंड्स, जो बच्चे के फ्रेंड होंगे वो भी नंबर देंगे, कितने नंबर किसने लिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, यहाँ से लीडरशिप क्वालिटी जो है बच्चों में डिवेलप हो जाएंगी। बहुत ही नया सिस्टम है और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, यहाँ से बच्चों में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो मतलब हर फ्रेंड्स जो होगा बच्चे का वो दूसरे स्टूडेंट को नंबर देगा। इसी तरह टीचर्स भी बच्चे को नंबर देंगे। उसके बाद जो वोकेशनल फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो टॉप दुनिया की 5 यूनिवर्सिटी हैं उनको हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी खोलने का मौका मिलेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिलेबस बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, रेगुलरिटी 30 अलग होगी, सैलरी स्कॉलरशिप देने के लिए अलग से ब्रांच होगी, रिजल्ट बनाने के लिए अलग से, मीन्स के इसको प्रोफेशनलाइज कर दिया जाएगा, पढ़ाने वाले अलग होंगे, रिजल्ट बनाने वाले अलग होंगे, सिलेबस बनाने वाले अलग होंगे। इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपसे शेयर करने की कोशिश की, होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।